हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो देखिए फ्रेंड, सुबह के बज रहे हैं 8 और आज मैं आई हूँ जो हमारा पुश्तैनी मकान है वहाँ पे। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा पूरा परिवार रहता है। तो फ्रेंड, जो मेरे सबसे बड़े जेठ है ना, उनकी लड़की का जैसे हमने रिश्ता तो 1 साल पहले ही किया था, तो फ्रेंड अपना हम उसके जैसे पीले चावल करने जा रहे हैं आज। तो फ्रेंड, जैसे जो लड़की का ससुराल है वहाँ से जैसे 2-4 जने जो भी उनके घर के बड़े बुजुर्ग होंगे वो आएंगे, और जो हमारे घर के जैसे हमारा तो पूरा परिवार ही होगा। तो फ्रेंड, जो मेरे ससुर जी है ना, उनके जो वो सब 3 भाई थे, तो तीनों हमारे घर यहीं पे रहते हैं, जैसे हमारा पूरा परिवार ही यहाँ पे रहता है। तो सभी का जैसे खाना वाना हमारे घर ही बन रहा है। तो फ्रेंड, लड़की की जो ससुराल से आए हैं फ्रेंड वो, और जो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो, तो मिलके जैसे पीले चावल किए जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे, तो फिर मैं भी आ गई हूँ सुबह जल्दी, क्योंकि मुझे जैसे काम करवाना था, तो जैसे खाना वगैरह मुझे ही बनाना था। तो फ्रेंड, मेरी जिठानी ने मुझे बोला था कि भाई सुबह जल्दी आ जाना। तो फ्रेंड, मैं जैसे काम करके सुबह घर का, और सुबह थोड़ी जल्दी आ गई यहाँ पे, क्योंकि खाना मुझे ही बनाना था, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, मैं जैसे मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, और जो हमारे तीनों घर है ना, सभी का खाना हमारे घर ही बन रहा है। तो फ्रेंड रिश्तेदार भी जैसे आ गए हैं, क्योंकि बेटी का रिश्ता हमने किया है राजस्थान में, तो उनको जैसे राजस्थान से आए हैं, तो वो थोड़ा जल्दी आ गए, क्योंकि फ्रेंड गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फ्रेंड वो थोड़ी जल्दी निकल गए थे घर से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए वो जल्दी पहुँच गए। तो फ्रेंड 2.5-3 घंटे का रास्ता है, तो वो जल्दी पहुँच गए हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट हम काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी तो फ्रेंड छोंक दी है, और ये देखो चूचू खेल रही है यहाँ पे, और सब्जी जैसे मैंने चढ़ा के छोड़ दी है, और सब्जी थोड़ी देर में फ्रेंड बन जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, सब्जी तो यहाँ पे बन गई है। अब ना इसके अंदर मैं डाल दूँगी, जैसे ये धनिया पत्ता मैंने काट के रखा हुआ है, इसको डाल दूँगी, और जो कि इसमें मटर पनीर का MDH का जो गर्म मसाला होता है वो डाल दूँगी फ्रेंड। तो इसको अच्छे से जैसे मिक्स करके छोड़ दूँगी। तो देखिए फ्रेंड, ये MDH का गर्म मसाला है, इसको भी मैं डाल दूँगी ऊपर से, और फिर ना मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करके फिर मैं इसको जैसे ढक के छोड़ दूँगी। तो सब्जी तो यहाँ पे हमारी रेडी हो गई फ्रेंड, और अब ना मैं हलवा बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने हलवा बनाना शुरू कर दिया, और ये बच्चे मेरे पास बैठ के खेल रहे हैं इधर जैसे, और मेरा बेटा ही मेरी वीडियो बना रहा है, तो फ्रेंड वीडियो वही शूट कर रहा है। तो ये बच्चे देखिए उसके साथ मतलब बैठे हैं, ये इनको पता है वीडियो बन रही है, और ये उसके साथ मस्ती कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, बच्चे भी बैठे हैं और मैं अपना खाना बना रही हूँ। पीछे जैसे कमरे में जो हमारे लड़के के ससुराल से आए रिश्तेदार वो भी बैठे हैं, तो फ्रेंड इसलिए जैसे मुझे मुँह ढकना पड़ रहा है, तो मुँह ढक के ही काम कर रही हूँ फ्रेंड। मैं थोड़ी सी तो जैसे दिक्कत हो रही है मुँह ढक के काम करने में, क्योंकि जैसे मैं हमारे घर पे रहती हूँ, तो वहाँ पे मैं इतना जैसे मुंह नहीं ढकना पड़ता, क्योंकि मैं अकेली वहाँ पे रहती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड जैसे मेरे जेठ वगैरह भी है, और रिश्तेदार भी घर में आए हुए हैं, तो इसलिए मुझे मुंह ढक के भी, मैं घर में सबसे छोटी हूँ तो मुझे मुंह ढकना पड़ रहा है। वैसे तो फ्रेंड हमारे में जैसे रिवाज है मुँह ढकने का, तो सभी ढकते हैं अपने जो भी जैसे बड़ों से मुंह ढका जाता है, जो भी है जैसे मेरी जिठानी है वो, उनसे बड़े भी जो भी हैं वो भी ढकती हैं, तो मैं तो घर में सबसे छोटी हूँ। तो देखिए फ्रेंड, खाना तो इधर मैंने बना लिया है, मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है, और ये चावल बनाए मैंने, और इधर यहाँ पे हलवा बनाया, और रोटी जैसे हम जब खाएँगे तो गर्म गर्म बन जाएगी, छत पर बनाएँगे। तो यहाँ पर हमारी बन्नी भी देखिए फ्रेंड तैयार हो गई है, इसकी शादी है। तो फ्रेंड जैसे हमारे यहाँ पर जो पीले चावल करने के बाद ही फ्रेंड सभी रस्म शुरू की जाती है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ये पंडित जी भी आ गए हैं, और पंडित जी ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारे यहाँ पीले चावल किए जाते हैं। तो जैसे पंडित जी को हमने चावल दे दिए, हल्दी दे दी है, और घी दे दिया है। तो पंडित जी क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को थाली में डाल के, और इन सभी चीज़ों को इसके अंदर जैसे हल्दी डाल दी है और घी डाल दिया है,
और फ्रेंड अभी जो जैसे हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग है और जो लड़की की ससुराल से आए हैं 3-4 जने, उन सभी को बुला के वो सभी के हाथों से ही पीले चावल करवाएंगे। तो फ्रेंड जैसे दोनों जो लड़की के ससुराल पक्ष के होते हैं और जो भाई मायके पक्ष के होते हैं जो भी बड़े बुजुर्ग, वही मिल के जैसे पीले चावल करते हैं तो पंडित जी को बुला के पीले चावल किए जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए इन्होंने पीले चावल तो कर दिए। अब जैसे ये दो पंडित जी ने दो रुमाल मंगवाए थे तो जैसे आधे चावल तो उस रुमाल में डाल देंगे पंडित जी और आधे चावल इस रुमाल में डालेंगे। और जो है कि जो लड़की के ससुराल वाले हैं उनसे जैसे खुले पैसे लेंगे पंडित जी और जैसे इसमें डाल देंगे जो उन्होंने चावल पीले किए हैं तो इसी के अंदर डाल के, और पंडित जी क्या करेंगे इस चावल की जैसे पोटली बना देंगे, रुमाल से जैसे बांध देंगे इसको, और एक एक पोटली तो हमें दे देंगे और एक पोटली हम जैसे लड़की की ससुराल वालों को दे देंगे। तो फ्रेंड पीले चावल तो जैसे कर दिए पंडित जी ने, और देखिए औरतें गीत गा रही हैं और अब ना रिश्तेदारों को खाना खिला देंगे हम जो भी हैं, जैसे जो भी आए सबसे पहले उनको ही खाना दिया जाएगा और फिर बच्चों को हमने खाना दे दिया है। तो देखिए फ्रेंड बच्चों को भूख लगी थी क्योंकि 1:30 बज गया है और बच्चों को सभी को भूख लगी थी, तो हमने पहले रिश्तेदारों को खाना खिलाया और फिर हमने सभी बच्चों को खाना दे दिया है, बाद में ही सभी हम खाएंगे घर वाले। तो फ्रेंड वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय।